नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुआ बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विरोधी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी भी शुरुआत से ही इस कानून के खिलाफ है। बसपा ने नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक बताते हुए संसद में इसके खिलाफ वोटिंग की थी। वहीं बसपा की एक विधायक को नागरिकता कानून का समर्थन करना महंगा पड़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा विधायक रमाबाई परिहार को नागरिकता कानून का समर्थन करने पर पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मायावती विधायक रमाबाई के इस कृत्य से इतना नाराज हैं कि रमाबाई को पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने से भी मना कर दिया गया है। दरअसल रमाबाई मध्य प्रदेश के पथेरिया से विधायक हैं और उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया था, जिसके बाद मायावती ने ये एक्शन लिया। बसपा मुखिया मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मायावती ने लिखा, बसपा अनुशासित पार्टी है और इसे तोड़ने पर पार्टी के एमपी एमएलए आदि के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में एमपी के पथेरिया से बसपा विधायक रमाबाई परिहार द्वारा सीएए का समर्थन करने पर उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा, बसपा ने सबसे पहले इसे विभाजनकारी और असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया, संसद में भी इसके विरुद्ध वोट दिया और इसकी वापसी को भी लेकर माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। फिर भी विधायक परिहार ने सीएए का समर्थन किया। पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतावनी दी गई थी। वही बसपा विधायक रमाबाई के निलंबन के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक रमाबाई के समर्थन में आ गए हैं।